हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और मैं आज के ब्लॉग में ना, देखिए मैं यहाँ पे सवाल लिखी हूँ जो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं ना, तो मिला जुला सवाल है। कुछ मेरी पर्सनल बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन वाली और कुछ सजेशन वाली भी। इसलिए मैं कहती हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया कीजिए, क्योंकि मैं कमेंट सबकी पढ़ती हूँ। तो आज सोचे कि चलो आप लोग के सवालों का जवाब देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी कंप्लेन करते रहते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं आप, इससे वजह से मैं कुछ सवाल पिक कर ली हूँ। और पहला सवाल तो सीधे पर्सनल क्वेश्चन हो गया। पर्सनल नहीं, एक्चुअली मुझे ना ये सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहती है सब बातों में। ये सवाल जो है, आपका कास्ट कौन सा है? मैं कभी किसी का कास्ट जानने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस कास्ट का है। तो इनका है तो जवाब दे दूँ। सरनेम ही है जायसवाल, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता जायसवाल सरनेम में तो कास्ट कौन सा है। तो मेरा कास्ट है बनिया। बनिया यानी कि जो व्यवसाय करता है, सीधे सीधे से जो बिजनेस करता है। तो हम लोग के कास्ट में मैक्सिमम लोग ना बिजनेस ही करते हैं। सेकंड सवाल है, सवाल नहीं है ये, मुझसे ना मेरा नंबर मांग रहे कि अपना नंबर भेजो, जानकारी लेना है। तो आप बताइए, सोशल मीडिया में, मैं यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में अगर मैं रिप्लाई में अपना पर्सनल नंबर दूँ तो क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? तो मैं पर्सनल नंबर नहीं देती हूँ। अगर रहता भी ना कि अर्जेंट है, अपना नंबर दे दो, बात करनी है, मैं नहीं दे पाती हूँ। आपको पता है क्या होगा, बहुत सारे कॉल आएंगे, परेशान होंगे, मैं अपना नंबर ही चेंज कर दूँगी। फिर है कि हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू, ये सवाल का जवाब मैं दे सकती हूँ कि आप मुझसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ जाइए। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पर एक प्लेटफॉर्म बनाई हूँ, जहाँ पर लोग मुझसे बात कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर मुझे कुछ बातें सुनाने का भी मन है इंस्टाग्राम पर सुना दीजिएगा। मैं ब्लॉक नहीं करती हूँ, स्टार्टिंग में 2-3 लोगों को ब्लॉक की, लेकिन अब ब्लॉक करना पूरी तरह से बंद कर दिया। हाँ, कोई घटिया बातें करता है, घटिया मतलब कि उस तरह के तो लोग मुझे मिले नहीं, स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम पे होते थे तो तभी सोशल मीडिया में कैसे रहना समझ में नहीं आता था ना, बातें समझ में आ गई है। तो आ जाइए, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दीप्ति जायसवाल 19 है ना, 19 अगस्त को मुझे विश करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 19 अगस्त को मेरा बर्थडे, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ना, क्योंकि उस दिन मैं घर पे नहीं रहूँगी। अगर घर पे मैं फैमिली के साथ होती तो मैं नहीं बोलती, लेकिन उस दिन मैं ना योग्राम में रहूँगी 19 अगस्त को। तो विश ज़रूर कर दीजिएगा, याद रखिएगा। आप लोग मेरे अच्छे वाले सब्सक्राइबर हैं ना, इसीलिए मैक्सिमम लोग तो मेरे फ्रेंड्स ही हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, मतलब स्कूल फ्रेंड्स नहीं है, सब्सक्राइबर है, लेकिन अब वो मेरे फ्रेंड्स बन गए, मेरे कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है कि आपका ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल है वेस्ट बंगाल में बलरामपुर, छोटा सा जगह, शायद यूपी में भी बलरामपुर है, तो यूपी वाला बलरामपुर नहीं, वेस्ट बंगाल वाला बलरामपुर है ना। तो नेक्स्ट है दीप्ति जी, ये सजेशन है, बहुत अच्छा सजेशन है, मेरा इस ओर तो ध्यान ही नहीं गया, आप लोग भी सजेशन दिया कीजिए ना, मानू या ना मानू अलग चीज़ है, लेकिन सजेशन देते तो बड़ा अच्छा लगता है ना। देखिए सोशल मीडिया ही ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे अगर लोग आते हैं ना तो उसका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है, सोच भी चेंज हो जाता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मेरा बहुत कुछ बदल चुका है, आप नोटिस किए होंगे। 1.5 साल पहले जब मैं यूट्यूब में आई थी तभी लाइफस्टाइल तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी कुछ तो बदलाव आपको महसूस हुआ होगा जो शुरू से फॉलोअर्स होंगे। अगर बदलाव महसूस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का हाई हो जाता है, सोशल मीडिया में आते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल। मैं किसी भी अननोन लोगों से पहले भी बात करती थी, लेकिन अब मैं बात करती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील करती हूँ। तो ये सजेशन है कि दीप्ति जी आप में साड़ी कितनी बढ़िया लग रही है, बस पायल की कमी है, प्लीज़ पहन लीजिएगा। इस और मेरा ध्यान ही नहीं गया था, सच्ची बात बताऊँ। और एक राज की बात बताती हूँ, राज की बात, जब से मेरी शादी है, मतलब 9 साल से ऊपर हो गई शादी का, आज तक मैं चांदी हो या सोना, एक भी गहना मैं नहीं खरीदी हूँ शादी के बाद। आप यकीन करेंगे, एक लेडीज़ गहने के पीछे पागल होती है, पर मैं नहीं, कभी खरीदी नहीं। जो भी है ना शादी के टाइम के है, जो भी है, तो हेवी पायल है ना, तो हेवी पायल मैं पहन नहीं सकती, क्योंकि मैं ज़्यादातर जीन्स वगैरह पहनती हूँ ना, तो उसे सूट नहीं करेगा। फिर साड़ी के लिए पायल पहनो, फिर चेंज करो, वो एक झंझट सा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि हल्की पायल ले लूँ, क्योंकि आपने सजेशन दिया ना, तो बहुत अच्छा सजेशन मुझे लगा, तो मैं हल्की पायल लूँगी, ये प्रॉमिस रहा, और इसी महीने लूँगी, ये भी प्रॉमिस रहा। अगला है, पतंजलि में इलाज के लिए जानकारी लेनी है। बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन वाले सवाल का जवाब दे देती हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि मैं पतंजलि योगा में फिर से जा रही हूँ तीसरी बार, 18 अगस्त को है ना,
लोग पूछते हैं ना कि क्या आप ठीक नहीं हुई जब फिर से इलाज कराने के लिए जा रही है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। यहाँ आई शक्ति, यहाँ बहुत आराम मिला था, इवन कि वहाँ से ज़्यादा यहाँ आराम मिला था आई शक्ति मुंबई में, क्योंकि मैं मुंबई में हूँ, घर के पास ही 2 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड क्या है, ऑनलाइन फ्रेंड है, आप लोग के जैसे ही सब्सक्राइबर है, लेकिन वो बहुत क्लोज़ हो गई है, तो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रही है, तो वो चाहती थी कि मैं उसके साथ जाऊँ, और मैं कभी उससे मिली नहीं, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है, तो मैं सोची इसी बहाने में उससे मिल लूँगी, इसलिए मैं उसके साथ उसको कंपनी देने के लिए जा रही हूँ, और सिर्फ 4 दिन के लिए। बुकिंग है 7 डेज़ का, पर मैं वहाँ पर रहूँगी 4 डेज़। चलिए ये भी बात आपको पता चल गई ना, मतलब 18 को शाम में जाऊँगी तो 18 को तो ट्रीटमेंट होगा नहीं, 19, 20, 21, 22 बस 4 डेज़ रहूँगी, 23 का मेरा वापस रिटर्निंग फ्लाइट की टिकट बनी हुई है, बहुत पहले बन गई थी, 3 महीना पहले आने जाने की टिकट हो चुकी थी। बहुत कुछ जानने को मिला ना, जो Q&A पूरा देखते हैं ना उसको बहुत कुछ पता चल जाता है, जो स्किप कर करके देखते हैं उनको बातें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि मेन बात तो मैं कभी कहीं भी बोल देती हूँ, पहले बीच में बाद में कह नहीं सकते। अगला क्या है, हाँ आपकी तबीयत कैसी है आप लोग जानना चाहते हैं, तो देखिए चक्कर बहुत आ रहे थे जब से मैं गांव से आई थी, मतलब सासू माँ जब गुजर गई तो उसके बाद मैं आई ना यहाँ पे, तो बहुत चक्कर आ रहे थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मोर देन 50 टाइम्स पर डे, डेली का मुझे इतना चक्कर आता था हर वक्त, चाहे मैं लेटी हूँ, बैठी हूँ, खाना खा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, जब चल रही थी तो लगता था गिर जाऊँगी, और एक बार तो गिरते गिरते गाड़ी के नीचे आते आते बचे, तो मैं रोड में ही बैठ गई थी 5 मिनट, किसी तरह मैं घर आई। उसके बाद जब भी मैं जाने लगी तो आदि के साथ बाहर जाने लगी थी, लास्ट चक्कर आया था, अच्छी बात यह है कि परसों आया था लास्ट चक्कर, उसके बाद मुझे चक्कर अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं सैटरडे का, मेरे हस्बैंड अपॉइंटमेंट ले चुके हैं हेल्थ चेकअप का, तो मैं हेल्थ चेकअप लूँगी। एक मुझे ऐसा लगता है, बहुत लोग सजेशन दिए ना कि स्ट्रेस की वजह से भी चक्कर आते, थकान की वजह से भी आते, क्योंकि गाँव गई थी तो बहुत काम की थी, मैं इतना काम नहीं करती, मुझे काम करने की इतनी आदत नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत काम की थी, रह गया स्ट्रेस का। स्ट्रेस आपको लगता है कि लोग कमेंट भी किए थे कि मैं बहुत नॉर्मल दिख रही हूँ, बहुत ऑड लग रहा है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ चली गई थी, फिर भी मैं बहुत नॉर्मल हंसमुख टाइप की ऐसे लग रही हूँ, लेकिन अंदर की बात क्या है ना वो मुझे पता है, बहुत कुछ आप लोगों को नहीं पता है, तो मैं जाहिर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी ना इमोशन ज़ाहिर करना यानी अपनी कमज़ोरी को जाहिर करना होता है, तो मैं वो ज़ाहिर नहीं करती हूँ जल्दी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि जब भी मैं रो रही हूँ कैमरे सामने करके लोग रोते हैं तो वो मुझसे नहीं हो पाता, या फिर कोई और मेरे सामने रो रहा है या मेरे हस्बैंड रो रहे हैं तो मैं कैमरा ऑन करके दिखाऊँ क्या वो रो रहे हैं, बहुत बुरा फील करें, मुझसे नहीं होता है। लोग कर लेते हैं, कई लोग रोते हुए कर लेते हैं कि हाँ रो रहे हैं, आंसू बहा रहे, जब मैं खुशी से आंसू बहाऊँ तो मैं कैमरा ऑन कर लूँगी, जब मुझे कोई प्रॉब्लम हो ना तो मैं कर लूँगी, लेकिन सासू माँ चली गई उस चीज़ के लिए मैं रोते हुए कैमरा ऑन करके मुझे नहीं लगता है। मैं घर पे भी रोई थी, लेकिन रात को जब सोने जाती थी ना तब मैं रोती थी, मैं सासू माँ को देख करके भी नहीं रोई थी जब मैं उनकी बॉडी को देखी थी, डेली रात को रोती थी, लेकिन जब सोने जाती थी ना तब मेरे हस्बैंड, वो भी क्या, जब मेरे हस्बैंड 10 के बाद मेरे साथ रहे, 10 दिन तक तो मेरे साथ थे ही नहीं, तब मैं उनके सामने रोती थी, और जब मैं वहाँ से निकली ना गाड़ी से, हंसते हुए आपको दिखाई दी होंगी कार में घुसी, पर बहुत रोई थी कार में रास्ते भर, ट्रेन में भी बहुत रोई थी, सब लोग देख रहे थे कि दहाड़े मार मार के रो रही, मतलब पूरा ना तो पागलों की तरह रोना वैसे रो रही थी। यहाँ भी आई तो यहाँ भी 3-4 दिन रात को रोज़ हस्बैंड के साथ रोती थी, वो भी इमोशनल हो जाते थे, मैं भी रोती थी, तो मैं वो रोना धोना ना मेरे हस्बैंड के साथ ही है, और किसी के साथ मैं रोना धोना कर ही नहीं सकती। तो एक है, भगवान ने ऐसा पति दिया है जिसके सामने मैं अपने इमोशन जाहिर कर लेती हूँ, क्योंकि वो समझते हैं, बस इसी वजह से। और क्या, कुछ नहीं कहूँगी आगे, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है, अगर मुझे आपके सवाल अच्छे लगते हैं तो मैं ज़रूर पिक करूँगी नेक्स्ट Q&A में। मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं सबका कमेंट पढ़ते हूँ, कमेंट पढ़ के मुझे हमेशा की तरह बोलूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।